दोस्तों ये है पोको F5 Pro जो कि यह अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसी महीने मई में लॉन्च हो सकता है। और यह फोन Redmi K60 का रिब्रांडेड है जो कि पोको F5 Pro के नाम से इंडिया में लॉन्च होगी। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस फोन में क्या कुछ स्पेक्स एंड फीचर्स है और ये इंडिया में कब लॉन्च होगी और किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस बार डिजाइन सेम Redmi K60 की जैसे होगी, केवल Redmi की जगह इसमें पोको की ब्रांडिंग होगी और इसमें बैक साइड ग्लास बॉडी यूज किया गया है एंड फ्रेम इसकी मेटल की है। और यह फोन 8.6 mm की थिकनेस एंड 204 ग्राम वेट के साथ आती है, जिससे फोन को हाथ पकड़ने से हल्का मोटा एंड हैवी फील होगी। और यह साइड साइड से कर्व है तो ग्रिप भी काफी अच्छी रहेगी। और इसमें IP53 का रेटिंग है जिससे डस्ट प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, बट पोको कुछ यूनिक डिजाइन करती तो काफी अच्छा होता। और इसमें 6.67 इंच की QHD+ OLED डिस्प्ले है विथ सेंटर पंच वॉल के साथ। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफी जबरदस्त है 87.5%, जिससे फोन को सामने से देखने से डिस्प्ले काफी अट्रैक्टिव लगेगी। और इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, जिससे फोन को चलाते समय काफी स्मूथनेस फील होगी। और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है एंड 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि फोन को यदि आप आउटडोर भी यूज करते हैं तो कंटेंट वगैरह एकदम क्लियर दिखेगी। एंड इसमें फेस अनलॉक एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफी फास्टली वर्क करती है। इसके अलावा इसमें HDR10+ एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट है और 16 बिलियन कलर एंड 526 PPI डेंसिटी का भी सपोर्ट है, जिससे यदि आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं तो वीडियो की कलर कंट्रास्ट काफी हाई रहेगी, वीडियो आपके सामने निखर के आएगी। और इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है तो साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी रहेगी, तो मल्टीमीडिया कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस आपका काफी और भी अच्छा रहे। और इसमें 5160 mAh की बड़ी बैटरी लगी हुई है और इसमें 4nm का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो बैटरी कंज्यूम काफी कम करेगी और नॉर्मल यूजर को आराम से 1 से 2 दिन की बैटरी बैकअप दे सकती है। और इसको चार्ज करने के लिए 67W की चार्जर बॉक्स के साथ आती है एंड 30W की वायरलेस चार्जर को भी सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। तो यह बैक साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आती है, जो कि प्राइमरी कैमरा 64MP की है विथ OIS के साथ, अल्ट्रा वाइड कैमरा 8MP की है एंड मैक्रो कैमरा 2MP की है एंड सेल्फी कैमरा 16MP की है। इसमें कई सारे मोड एंड फीचर्स हैं जिसका आप यूज करके लो लाइट कंडीशन में भी काफ़ी अच्छे फोटो एंड वीडियो निकाल सकते हो। डे टू डे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगी, आपको निराश नहीं करेगी। और इसके रियर कैमरा से आप 8K वीडियो 24fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर 4K वीडियो 60fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसके सेल्फी कैमरा से आप 1080p 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का 5G प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है और ये 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये 2.5 GHz पे रन करती है, इसकी एंट्री तो इसको लगभग 1.2 मिलियन है। और ये MIUI 14 पे रन करता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड। इसमें फालतू की ऐप वगैरह नहीं है, लेकिन प्राइस लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये फोन 30 से 32 हज़ार तक में लॉन्च होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।